नमस्कार और आप देखें पल पल। नेपाल में होने वाली दक्षिण एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए इन दिनों विभिन्न देशों की कबड्डी टीमों ने भारत में पड़ाव डाल दिया है। प्रशिक्षण लेने के लिए अलग अलग देशों की टीमों ने नेपाल में होने वाली प्रतिस्पर्धा के लिए जान लगाए हुए हैं। वहीं भारत में कबड्डी के गुर सीख रही हैं ये सारी टीमें। इस वीडियो में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये भिवानी के हैं, जहाँ पर भीम स्टेडियम में खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन ये खिलाड़ी भिवानी हरियाणा या भारत के ना होकर के बांग्लादेश के हैं। इसी सिलसिले में गत एक माह से बांग्लादेश की महिलाओं व पुरुषों की टीम कबड्डी टीमें भी भिवानी में भीम स्टेडियम में डेरा डाले हुए हैं। सभी कबड्डी की बारीकियों को सीख रहे हैं। टीम के साथ आए प्रशिक्षकों व खिलाड़ियों ने कहा कि भारत के बारे में, खासकर हरियाणा के विषय में, खेलों के बारे में जो उन्होंने सुना है और जो पहले जाना था, उसे अब आंखों देखा अनुभव महसूस किया जा रहा है। उनका कहना था कि जिस बांग्लादेश में लड़कियों को बाहर तक नहीं भेजा जाता था, उसी बांग्लादेश के खिलाड़ी अब हरियाणा में भारत की कबड्डी का अनुसरण कर मेडल जीत ला रहे हैं। तथा हाल ही में जूनियर एशियाई खेलों में बांग्लादेश की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहीं एक टीम की कप्तान प्रवीण ने बताया कि हरियाणा की छोरी से लेकर के बड़ी लड़कियां तक खेलों में दक्ष हैं तथा उन्हें बाहर निकलने और खेल का मौका दिया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि जहां बचपन से ही खिलाड़ियों को कबड्डी जैसे खेलों में उतार दिया जाता है, जबकि उनके यहां पर ऐसा नहीं होता। उनका कहना था कि जूनियर टीमें यहां पर प्रशिक्षण देने के बाद मेडल लेने पर परिवार के लोग व देशवासी भी अब विरोध नहीं करते, इसलिए वह भी प्रशिक्षण लेने के लिए आई है। तथा निश्चित तौर पर वे भले ही गोल्ड मेडल ना जीतें, लेकिन कोई ना कोई मेडल जरूर जीतेगी। वहीं टीम के कोच छाजूराम गोयल ने उनका कहना था कि हरियाणा में उनके इलाके में कबड्डी के मामले में काफ़ी समृद्ध माना जाता है। ऐसे में यहां पर प्रशिक्षण लेने के लिए बांग्लादेश की टीमें आई हुई हैं और बेहतरीन तैयारियां भी कर रही हैं। तो बांग्लादेश की कबड्डी टीम के डायरेक्टर नवाज शोहर का कहना था कि उनकी टीमें भिवानी में अभ्यास कर रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि दूसरे टीमों की भी काफ़ी सारी ऐसी टीमें हैं जो अलग अलग जगह पर हरियाणा में ही भाग ले रही हैं, अलग अलग स्टेडियम में अपनी फुल तैयारी कर रही हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के डायरेक्टर व कबड्डी में भारत के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी प्रसाद राव का कहना था कि श्रीलंका की टीम केरल में प्रशिक्षण ले रही हैं, तो अन्य टीमें भी देश के दूसरे हिस्सों में प्रशिक्षण ले रही हैं। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट।